बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर्स फैमिली एंड फ्रेंड। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ चाइनीज़ नूडल की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इसके लिए मैंने ये वेजिटेबल को बारीक बारीक स्लाइस कर लिया है। तो सबसे पहले हम पैन में 2 एग शामिल करेंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे और फिर इसको हम निकाल लेंगे। इसके बाद हमने इसके अंदर गाजर को फ्राई करना है, बस 1 मिनट के लिए फ्राई करना है और इसको भी निकाल लेना है। और अब हम इसके अंदर बंद गोभी को डाल के फ्राई करेंगे, इसको भी 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। और अब हम इसको भी निकाल लेंगे। तो अभी हम ऑयल के अंदर ये लहसुन जो चॉप किया था इसको शामिल करेंगे और फिर साथ ही प्याज जो हमने स्लाइसेस किए थे इसको भी शामिल कर देंगे और इसको फ्राई करेंगे हल्का सा। और अब इसके अंदर जो हमने गाजर को बंद गोभी को फ्राई किया था वो भी मिक्स कर देंगे। और मैंने नूडल को बॉयल कर लिया था नमक और ऑयल डाल के पानी के साथ। अभी हम वो जो नूडल बॉयल है इसको इन सब्ज़ी के साथ मिक्स कर देंगे अच्छे से, दोनों चम्मचों से हम इसको मिक्स करेंगे। और अब हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। ये मैंने काली मिर्च पाउडर, सोया सॉस, नमक इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। इधर मैंने कुटी मिर्ची डाली है, इसको भी इसके साथ मिक्स करूँगी अच्छे से। और यहाँ मैंने ग्रीन प्याज है वो शामिल किया है, इसको हमने बस अभी शामिल करके इसको 5 मिनट तक अच्छे से मिक्स करते रहना है। और यहाँ मैंने इसके अंदर मंग बीन स्प्राउट्स जो होते हैं जो नूडल में डलते हैं वो भी शामिल कर दिए थे और इसको मिक्स कर दिया है। तो अब ये रेडी हो गई है, तो मैं डिश आउट कर लेती हूँ। सो व्यूअर्स, मज़ेदार चाइनीज़ वेजी नूडल रेडी हो गए हैं, बहुत ही मज़ेदार बने। ये मैंने आपसे ओरिजिनल रेसिपी शेयर की है, बहुत ही सिंपल और ईजी है, झटपट बन जाते हैं, क्विक बन जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार होते हैं। सो व्यूअर्स, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरी वीडियो को। ओके जी, अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।